एक ही इंसान की लाश एक लोकेशन पे चार अलग दशकों में 1890, 1941, 2023 और 2053 में कैसे उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे चार डिटेक्टिव्स सुराग ढूंढ रहे हैं कि आखिर कातिल कौन है। बहुत ही दिलचस्प और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बनी ये वेब सीरीज हर वक्त आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करती है। आइए तो बात करते हैं बॉडीज की। लंदन में चल रहे प्रोटेस्ट को सुरक्षा इंतजाम के लिए इंस्पेक्टर हसन को तैनात किया जाता है। तभी वहां पर स्ट्रीट लैंप में लगे हुए बल्ब का ब्लास्ट हो जाता है और बिजली चली जाती है। उस आवाज से सभी प्रोटेस्ट करने वाले डर जाते हैं। तभी हसन को गार्बेज कंटेनर के पीछे छुपा हुआ एक एशियन टीनेजर दिखता है जिसके हाथ में गन होती है। इसलिए हसन उसका पीछा करना शुरू करती है। वह टीनेजर उसे काफी भगाता है और एक नंगी लाश के पास जाकर रुकता है, जैसे मानो उसका काम हसन को उस लाश तक पहुंचाना था। वो हसन को अपनी गन जमीन पर रखने के लिए कहता है और ये खून मैंने नहीं किया कहकर वहां से भाग जाता है। हसन लाश को चेक करती है, तब उसके बाएं हाथ पे एक निशान होता है और उसकी बाईं आंख फूटी होती है जिसमें से खून बह रहा होता है और उस जगह का नाम लॉन्ग हार्वेस्ट लेन ईस्ट होता है। डिटेक्टिव चार्ली लड़कियों में काफी फेमस नजर आता है। उसके बॉस और कलिक को शक होता है कि शायद उनके टीम में से टिप देने वाला ऑफिसर खबरी या मुखबिर कोई है। उस खबरी का पता लगाने के लिए वो मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद चार्ली अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तब उसे औरत का कॉल आता है जो उसे लाश को लॉन्ग हार्वेस्ट लेन से लेकर रॉयल हब में छोड़ने के लिए कहती है। चार्ली जब वहां पहुंचता है तो एक लड़की उसे देखकर डर के मारे वहां से भाग जाती है। चार्ली लाश के करीब जाता है, तब हमें वही लाश दिखती है जो हसन को दिखी थी, उसी लोकेशन पर, उसी जगह पर और उसी हालत में। हम फिर से लंदन की उन्हीं गलियों में जाते हैं। सभी स्ट्रीट लैंप्स के बल्ब ब्लास्ट हो जाने की वजह से बिजली चली जाती है। लोग डर जाते हैं। इंस्पेक्टर अल्फ्रेड अपने कलीग पुलिस ऑफिसर के साथ लॉन्ग हार्वेस्ट लेन में जाता है। वहां पर भी वही लाश दिखती है जो कि पहले दो बार दिखी थी। तभी अल्फ्रेड की मुलाकात पत्रकार हेनरी से होती है। हेनरी उस लाश की कुछ तस्वीरें लेता है, इसलिए पुलिस अफसर उसे पीटता है। लेकिन अल्फ्रेड सच्चा पुलिस वाला होता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को बुरे बर्ताव के लिए फाइन लगाता है और हेनरी को लाश की तस्वीरें डेवलप हो जाने के बाद लौटाने के लिए कहता है। हसन को जो लाश मिली है और अल्फ्रेड को जो लाश मिली है, उन दोनों का पोस्टमार्टम होता है, पर दोनों जगह पर सरप्राइजिंगली उस लाश के दिमाग से गोली बरामद नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर को शक होता है गोली लगने की वजह से उस लाश की आंख फूट गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और पुलिस दोनों भी कंफ्यूज होते हैं। चार्ली लाश को लेकर रॉयल हाउस के लिए निकलता है, तब उसका कलीग पेरोल उसका पीछा करता है क्योंकि उसे शक होता है मुखबिर यानी कि खबरी चार्ली है। वो उसकी गाड़ी रोक देता है। इसके बाद वो उसकी गाड़ी की डिक्की खोलने वाला होता है जिसमें लाश होती है, पर वर्ल्ड वॉर के दौरान बम्बार्डिंग चल रही होती है जिसकी वजह से नजदीक की एक बिल्डिंग गिर जाने की वजह से पेरोल की मौत हो जाती है, पर चार्ली की गाड़ी भी मलबे के नीचे दब जाती है। इसीलिए चार्ली वहां से निकल जाता है। हसन के ऑफिस में एशियन टीनेजर का पता चल जाता है। उसका नाम सैयद होता है। फिलहाल वो लापता है, इसीलिए पुलिस हसन से उसकी बहन आलिया से बात करने के लिए कहते हैं। हसन आलिया से मिलती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई निर्दोष है और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है तो मुझे कॉल करने के लिए कहना, मैं उसकी बात जरूर सुनूंगी। ये कहकर वो अपना मोबाइल नंबर उसके साथ शेयर करती है। इसके बाद पुलिस हसन का फोन टैप करना शुरू करते हैं। अल्फ्रेड हेनरी के पास लाश की तस्वीरें लेने के लिए चला जाता है। उन तस्वीरों में से आखिरी तस्वीर में खिड़की के अंदर एक इंसान की छवि नजर आती है। हेनरी के हिसाब से वही कातिल है, पर अल्फ्रेड हेनरी से पूछता है कि उस जगह पर तुम क्या कर रहे थे। हेनरी ना चाहते हुए भी उसे बताता है कि मैं रात भर फोटोज ले रहा था। अल्फ्रेड को वो फोटो देखने के बाद पता चलता है कि हेनरी गे है। 1890 के जमाने में LGBTQ को कानूनन जुर्म समझा जाता था, इसलिए अल्फ्रेड हेनरी को अरेस्ट करता है। डिटेक्टिव चार्ली अगले दिन सुबह वहीं पर पहुंचता है जहां पर कार मलबे के नीचे दबी हुई थी। चार्ली का बॉस उसे कहता है कि तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट करोगे। सबसे पहले तो चार्ली उस कार में गिरा हुआ अपना लाइटर उठा लेता है। उसके बाद कार की डिक्की खोलता है जिसमें लाश होती है। सभी अफसर्स को लगता है कि पेरोल ही खबरी था। चार्ली को फिर से अनजान औरत का कॉल आता है। चार्ली उसे बताता है कि केस मेरे ही हाथ में है और मैं इसे दबा दूंगा, पर वो औरत
उससे नाराज होती है क्योंकि लाश को रॉयल हब तक पहुंचाना था। अगले दिन सुबह हसन को सईद का फोन आता है और वो उसे पब्लिक प्लेस यानी कि कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। पुलिस ऑफिसर्स हसन का फोन टैप कर रही होती है, इसलिए उन्हें भी इस बात का पता चलता है और वो भी कैफे में पहुंचने के लिए निकलते हैं। हसन सईद से मिलती है और उससे गन मांगती है ताकि वो उसकी जान बचा सके, पर सैयद ये कहता है कि मुझे उन लोगों ने बताया था कि लाश तुम्हें ही मिलने वाली है और हुआ भी वैसे ही। उसके बातों को नजरअंदाज करते हुए हसन उससे गन मांगती है, पर हसन गन देने के बजाय हवा में फायरिंग करता है। तब तक पुलिस पहुंच जाती है और उस पर गोली चलाती है। हसन उसे बचाने की कोशिश करती है पर सैयद अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेता है। अल्फ्रेड हेनरी ने खींची हुई तस्वीरें अपने कलीग लेब्रामैन को दिखाता है। उसे देखने के बाद लेब्रामैन डर जाता है क्योंकि उस तस्वीर में छिपे हुए इंसान को वो जानता है। वो अल्फ्रेड से कहता है कि इन तस्वीरों को अभी के अभी जला दो और इस केस से पीछा छुड़वाओ। हसन परेशान होती है कि सईद ने आखिर खुदकुशी क्यों की, इसलिए वो उस कैफे का सीसीटीवी कैमरा देखती है जहां पर उसे सईद के साथ बैठा हुआ एक और लड़का दिखता है जिसका नाम होता है अलायस मैनिंग्स। डिटेक्टिव मैपलवुड अपने कार में जा रही होती है तभी स्ट्रीट लैंप्स के बल्ब फट जाते हैं और पूरे इलाके की लाइट चली जाती है। सिस्टम स्कैन करने के बाद सोर्स मिलता है लॉन्ग हार्वेस्ट लेन ईस्ट। मैपलवुड वहां पर पहुंचने के बाद वही इंसान नजर आता है पर इस बार वो जिंदा होता है, इसलिए वो एम्बुलेंस को बुलवाती है और एपिसोड 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आपको एपिसोड 2 भी सुनना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।